My next article is center of mass of a uniform triangular lamina. If we have got a uniform triangular lamina. Now, where is the center of mass located? Triangular lamina. Triangle kaisa bhi ho sakta hai. This is a triangle. Is triangular lamina ka mujhe center of mass locate karna hai. Now, how do we do this? We used to say the uniform triangular lamina sheet hai. We used to conceptualize median. Median conceptualize karte hai. What is median? Median is line joining any vertices with the center of opposite edge. Hum triangle ke vertices ko opposite edge ke center se join karein, that is termed as median. This is the vertices of a triangle and this is its opposite edge. Is opposite edge ka center kahin is jagah par hai. Hum triangle ke vertices ko is edge ke center se jod dete. Now this would be called the median. Yah is triangle ka median hoga. Now we used to say center of mass must lie on this median. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यह मैं समझाता हूं. मैं बिल्कुल इसी तरह का एक लेमिना इधर ड्रॉ कर देता हूं. अब मैं क्या कहता हूं, ये जो अपोजिट एज है इस वर्टेसेस की बात कर रहा हूं, यह जो अपोजिट एज है इसके पैरेलल हम ढेर सारी डिफरेंशियल विड्थ की स्ट्रिप्स बना दे इस तरह से. यह एक स्ट्रिप बन गई, हम इसके पैरेलल यह एक स्ट्रिप बना दे, बिल्कुल इसके पैरेलल हम इस तरह से इस ट्रायंगुलर लेमिना पर स्ट्रिप्स बनाते जा रहे हैं. अब हम कहते हैं ऑल दिस स्ट्रिप्स आर नियरली रेक्टेंगुलर. यदि मैं एंड इफेक्ट को इग्नोर कर दूं तो यह स्ट्रिप यहां से यहां तक नियरली रेक्टेंगुलर. अब इस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास इस लेंथ के लगभग बीच में होगा. इट वुड बी नियरली इन द मिडल ऑफ द सिस्टम. इस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास भी इसके बीच में होगा, इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके बीच में. इस तरह से एक एक स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास इन स्ट्रिप्स के ठीक बीच में आता जाएगा और हर एक स्ट्रिप का सेंटर पॉइंट यदि मैं मार्क करूंगा तो वह सेंटर पॉइंट इस तरह से दिखने लगेंगे. हर एक स्ट्रिप का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर पर. अब यदि इन सब पॉइंट को मैं जोड़ दूं देन दिस पॉइंट वुड दिस जॉइनिंग इफ वी जॉइन ऑल दिस पॉइंट आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन एंड इट वुड बी द मीडियन. यह मीडियन हो जाएगा. हर एक एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर है, इसलिए पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पर होना चाहिए. हम कहते हैं इफ दिस इज द मीडियन देन सेंटर ऑफ मास मस्ट डेफिनेटली लाई ऑन दिस मीडियन कहीं ना कहीं. अब
मैं एक और मीडियन ड्रॉ करता हूं। इस ट्रायंगल के लिए हम तीन मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। इस वर्टाइसेस को हमने अपोजिट एज से जोड़ दिया तो यह एक मीडियन बन गया। इसी तरह से हम इस वर्टाइसेस को अपोजिट एज के सेंटर से जोड़ते हैं। यह अपोजिट एज है, दिस इज द वर्टाइसेस, और इसकी यह अपोजिट एज है। मैं इसका सेंटर पहले लोकेट कर लेता हूं, दिस इज द सेंटर। अब इस वर्टाइसेस को मैं इस अपोजिट एज के सेंटर से जोड़ देता हूं। नाउ दिस इज अनदर मीडियन, दिस इज अनदर मीडियन, एंड आई विल से दैट सेंटर ऑफ मास मस्ट डेफिनेटली लाई ऑन दिस मीडियन एज वेल। जो सेंटर ऑफ मास है वह इस मीडियन पर भी लाए करेगा। अब एक साधारण सा लॉजिक है, सेंटर ऑफ मास इस मीडियन पर भी लाए करना है, सेंटर ऑफ मास इस मीडियन पर भी लाए करना है। इन दोनों मीडियन का जो कॉमन पॉइंट है, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू मीडियन, ये दोनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ कॉमन पॉइंट। हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास इसी कॉमन पॉइंट पर होना चाहिए, इट मस्ट लाई ऑन इंटरसेक्शन ऑफ द टू मीडियन, दिस इज सेंटर ऑफ मास। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल, हम कह सकते हैं जैसे हमने पहले इस लाइन के पैरेलल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनाई, इसी तरह से हम इस एज के पैरेलल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बना सकते थे। हम इस एज के पैरेलल इस तरह से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनाते, पैरेलल ढेर सारी स्ट्रिप्स इस तरह से ले लेते, और फिर हम कहते कि इन सबके सेंटर यदि ज्वाइन कर दें तो इस तरह से होगा। इस तरह से पहले वाला मीडियन इस तरह से दिख रहा है हमें, और दूसरा मीडियन इस तरह से दिखने लगेगा। वी यूज टू से दैट सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई ऑन इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू मीडियन। लेट्स मेक कंफर्मेशन, हम इसी समय इस बात को कंफर्म करके देख लेते हैं। कैसे? तीसरे मीडियन से हमारे पास यह तीसरा वर्टाइसेस है, और इस तीसरे वर्टाइसेस के लिए यह तीसरी अपोजिट एज है। हम तीसरी अपोजिट एज का सेंटर लोकेट करते हैं, और इसके सेंटर को हम इस वर्टाइसेस से मिला देते हैं। इस तरह से हमने तीसरा मीडियन ड्रॉ कर दिया। तीसरा मीडियन जब हम ड्रॉ करेंगे तो वह तीसरा मीडियन भी इसी पॉइंट पर पास करेगा, एंड इट कंफर्म्स दैट दिस इज द सेंटर ऑफ मास। हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। यह तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसे हम ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहते हैं। एंड वी यूज टू से सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना, एंड हेंस सेंट्रॉइड इज सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना। यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना का जो सेंटर ऑफ मास है, दैट इज द सेंट्रॉइड। हम कहते हैं
इस तरीके से हम यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। अब इस सेंट्रोइड की एक खास बात हम देखेंगे, सेंट्रोइड पॉइंट कहां होता है इसे भी मैं बताता हूं। हम इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगुलर लेमिना के लिए हाइट डिफाइन कर सकते हैं। हाइट, हाइट कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे इस वर्टाइसेस के से हम इधर इस एज पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर दें, इस वर्टाइसेस से हम इस एज पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर दें, इसकी लेंथ को हम हाइट कहते हैं, इसकी लेंथ को हम हाइट कहते हैं। दिस एज, ये वर्टाइसेस लिया और हमने इसके अपोजिट एज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज हाइट एच। नाउ व्हाट विल ऑब्जर्व इज सेंट्रॉइड लाय एट एच बाय थ्री हाइट ऑफ दिस बेस। इसको हम बेस कहेंगे, इसको हम एपेक्स कहेंगे। दिस इज बेस ऑफ ट्रायंगल एंड दिस इज एपेक्स ऑफ ट्रायंगल। बेस से एपेक्स की हाइट को हम एच कहते हैं। एच इज हाइट ऑफ एपेक्स from the base of triangle. If h is height of apex from the base of triangle, then height of center of mass from the base, height of center of mass from the base is always h by 3. अब मैं कुछ ट्रायंगल के भी कुछ स्पेशल केसेस आपको बता देता हूं। यह तो मैंने ट्रायंगल विथ एनी लेंथ विथ एनी एंगल ले लिया। अब मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल और राइट एंगुलर ट्रायंगल के स्पेशल केसेस को बता देता हूं। फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लेमिना, इफ वी हैव गॉट equilateral triangular lamina, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा केस है। equilateral triangular lamina means जिसके तीनों ही angle 60 degree हैं और तीनों ही edge length A है, यह तीनों edge length A and all the three angles are 60 degree। This is a equilateral triangle. इसका center of mass की location कहीं इधर होगी, इस जगह पर centroid होएगा और इस जगह पर center of mass होएगा। एक बात और मैं पॉइंट लिखवा दूं जो आपने इसके पहले 9th और 10th स्टैंडर्ड में थ्योरम्स में पढ़ा हुआ है। सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। हमेशा ध्यान रखें, सेंट्रॉइड
always divide the median in the ratio of 2:1 for any triangle. This for any triangle, centroid always divide the median ratio of 2:1. Centroid divide the median. In the ratio of 2:1. इसका मतलब ये जो भी कुछ मीडियन की लेंथ है, ये उस मीडियन का लेंथ का 2:1 के रेशो में डिवाइड कर देगा. इधर 2L/3 लेंथ हो जाएगी, इधर L/3 लेंथ हो जाएगी. सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड द मीडियन इन द रेशो ऑफ 2:1. हम कहेंगे इस जगह पर इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास होगा. व्हाई? इफ वी हैव गॉट राइट एंगुलर ट्रायंगुलर लैमिना, राइट एंगुलर ट्रायंगुलर लैमिना, यह एक राइट एंगुलर ट्रायंगुलर लैमिना है. यह एज लेंथ ए है, यह एज लेंथ बी है और यह 90 डिग्री है. यह दोनों एंगल कुछ भी हो सकते हैं. अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इस बात को देखिए. इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन समझने के लिए हम वही कंसेप्ट लगाते हैं कि सेंटर ऑफ मास की हाइट बेस से h/3 होती. सेंटर ऑफ मास की हाइट बेस से h/3 होती है. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने इसको बेस मान लिया, इस एज को यदि हम बेस मान ले तो हम कहेंगे यह एंगल, यह जो पॉइंट है एपेक्स हुआ और इस बेस से एपेक्स की हाइट हुई ए. तो इस बेस से सेंटर ऑफ मास a/3 की हाइट पर होएगा. इस बेस से सेंटर ऑफ मास a/3 की हाइट पर होएगा. इसका मतलब सेंटर ऑफ मास, इफ दिस इज ए, दिस सम a/3, यह a/3 हुआ. फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज a/3 एंड सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई ऑन दिस हाइट. इस जगह पर कहीं पर भी वह हो सकता है. कहां पर है यह हमें सोचना पड़ेगा. यह बात पक्का है कि इफ वी टेक दिस एज एस बेस, दिस पॉइंट एस एपेक्स, देन हाइट ऑफ दिस एपेक्स इज ए फ्रॉम द बेस एंड सेंटर ऑफ मास लाई एट a/3. बेस. अब हम दूसरा एक और लॉजिक बनाते हैं. हम ट्रायंगल की इस एज को बेस ले लेते हैं. हम राइट एंगल ट्रायंगल की इस एज को बेस ले लेते हैं एंड इफ दिस इज द बेस देन दिस पॉइंट वुड बी द एपेक्स. यह पॉइंट एपेक्स हो जाएगा और इस एपेक्स की हाइट अब हम कहेंगे बी. नाउ द हाइट ऑफ दिस एपेक्स इज बी. फ्रॉम हियर टू हियर this apex height is b. hence center of mass must lie at b/3 height from this base. is base se b/3 height par hoga. to is base se b/3 height par main ek aur line draw kar leta hu. yah base hai aur is base se maine b/3 height yah le li. this is b by 3 और अब मैं कहता हूं कि कहीं b/3 हाइट पर इधर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा. मैं कहता हूं सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर कहीं होना चाहिए और सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर कहीं होना चाहिए. इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट
would be the common point. Yah in dono line ka intersection point hai, yah common point. Yah point is line par bhi lie karta hai, yah point is line par bhi lie karta hai. Yah point is edge se bhi b by a by 3 height par hai aur is edge se bhi b by 3 ki height par hai. This point would be center of mass aur yah center of mass ki height idhar se a by 3 aur idhar se b by 3. This is the location of center of mass of a uniform right angular triangular lamina. Right angular triangular lamina ka yah center of mass ki location. Main is samay wah kuch methods bata raha hoon jahan hame koi mathematics apply nahi karni hai, koi formula apply nahi karna hai. Main sirf dekh kar center of mass jahan jahan hum bata sakte hain, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम जो बता सकते हैं वह कैसे बताएं. मैं आज के दिन इतना ही कराता हूं, कल के दिन मैं कंटिन्यू करूंगा वंस अगेन कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स के साथ, फॉर्मूले के साथ, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन. आज इतना ही, मीट यू टुमारो.